हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। वो प्रॉब्लम्स बेसिकली आपके इस चैप्टर में से क्रॉसेस बेस्ड होंगी, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पर जो क्वेश्चंस कैसे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों हर बार एक जो क्रॉस है वो इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलता है। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस बनाए, और इन क्रॉसेस में क्या होता है आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कुछ ऐसा क्रॉस है जिसमें एक टाइम पर एक सिंगल कैरेक्टर को ही कंसिडर किया जाता है, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों उसमें एक टाइम पर दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा, मतलब कि दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाएगा। मेंडल ने बोला था कि जब भी कभी एक कैरेक्टर को स्टडी करना है तो उस कैरेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं वो क्या, कौन कंट्रोल करते हैं, वो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जो एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट को कोड करने के लिए भी एक पेयर ऑफ फैक्टर रहेगा। अगर आप कलर की बात करते हो तो कलर, जो कि एक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उसको आपने स्टडी करना है तब भी आप किसकी मदद लोगे, तब भी आप फैक्टर्स की हेल्प लोगे। तो फैक्टर्स क्या है, वो डिटर्मिन करते हैं किसी कैरेक्टर को। अब वो फैक्टर्स क्या है बच्चों, जो आप जब भी जीनोटाइप लिखते हो ना, जो आप लेटर्स यूज करते हो, तो जो आप वहां पर दो लेटर्स यूज कर रहे हो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही क्या है, वो फैक्टर होता है। अब उन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, क्रॉस बनाते हैं। फिर जब वहां से उन फैक्टर्स की क्या होती है, सेग्रीगेशन होती है, तब वो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, जब गैमीट फॉर्म करते हैं तो उन गैमीट्स में एक ही पेयर का मेंबर जो है वो पास होता है। फिर वहां से उन जो गैमीट्स की क्रॉसिंग होती है, तब वहां से जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फॉर्म होती है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को इस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो सबसे पहले जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है, व्हाट विल यू गेट इन F1 एंड F2 जनरेशन इन द फॉलोइंग क्रॉस। अगर आप क्रॉस बनाते हो किसमें, प्योर टॉल पी प्लांट एंड प्योर डवॉर्फ प्लांट में। अगर आप बच्चों जो प्योर टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, उसका जीनोटाइप टॉलनेस को जब भी हम शो करेंगे तो हम वहां पर लेटर यूज कर लेंगे T। अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो तो कैपिटल लेटर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर को, मतलब कि जो अपना कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करता है। और जब भी हम लेटर स्मॉल यूज करते हैं बच्चों तो उसका मतलब है कि हम रिसेसिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों पहले आपने लिखना है जो आपको गिवन है उसके लिए जीनोटाइप। अगर आपको जीनोटाइप, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट में ही आपको जीनोटाइप दे दिया जाएगा, मगर अब इस केस में आपके पास जीनोटाइप नहीं है। बच्चों देखो यहां पर क्या लिखा है, प्योर। प्योर का मतलब क्या है कि आपके पास जो जीनोटाइप बनेगा यहां पर वो क्या होगा बच्चों, वो होमोजाइगस बनेगा। तब यहां पर क्या है, जो टॉल प्लांट के लिए आपके पास फैक्टर्स का पेयर है वो क्या होगा, उसमें दोनों लेटर हमारे पास क्या रहेंगे, कैपिटल। तो यहां पर जो स्टेट है वो क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट वाली होगी, क्योंकि हमें पता है जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो डवॉर्फनेस के ऊपर डोमिनेट करता है। तो अगर हमने यहां पर डोमिनेंस शो करनी है तो जो फैक्टर हम लिखेंगे, क्योंकि वो प्योर है तो हम जो जीनोटाइप लिखेंगे उसमें दोनों मेंबर्स को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। तो इसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो जो डवॉर्फ प्लांट है उसके लिए जो हमारा जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि ये डवॉर्फनेस जो है वो क्या है, वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब जब आप इनमें बनाओगे क्रॉस तो बच्चों ये क्या है, ये है पेरेंट्स। तो इनको हम क्या लिखेंगे,
पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में जो फैक्टर्स हैं जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उन्होंने गैमीट फॉर्म करनी है तो ये नंबर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। तो गैमीट में सिर्फ एक ही मेंबर आउट ऑफ पेयर जो है वो मूव करेगा। तो हमारे पास इधर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी गैमीट फॉर्म होंगे, और जो इस केस में हमारे पास गैमीट्स आएंगे वो क्या होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब बच्चों आप इनका क्रॉस करवाओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला इसके साथ क्रॉस करे तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसको हम पनेट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो आप क्या करोगे, एक पेरेंट के गैमीट्स को आप इस साइड लिखोगे और दूसरे के आप इस साइड लिखोगे। बेसिकली हम जो फीमेल प्लांट होते हैं उनके जो गैमीट्स होते हैं उनको इस साइड ऊपर की तरफ लिखते हैं, और जो हमारे पास मेल प्लांट होते हैं उनके जो गैमीट्स रहते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, वर्टिकल। तो फिर जब आप बच्चों इनका क्रॉस करोगे तो इसका इसके साथ जब क्रॉस करोगे, बच्चों ध्यान रखना है आपने कि कैपिटल लेटर जो है वो आगे होना चाहिए। तो जो कैपिटल लेटर है वो आगे आएगा और ये वाला क्या है, पीछे आएगा। तब ऐसे जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो पौधे क्या आएंगे बच्चों, बताओ तो। F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे जो पौधे हैं वो क्या होंगे, टॉल। हमें कैसे पता चला, क्योंकि भाई बच्चों आपके पास जो टॉलनेस वाला टॉल प्लांट है उसका जो गैमीट था वो क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब भी हमने डोमिनेंस की बात करनी है तब हम क्या वहां पर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर। अब हमारे पास यहां पर कैपिटल लेटर प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक डोमिनेंट एलील है जो कि साथ वाले रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा। तब यहां पर कौन सा कैरेक्टर आएगा बच्चों, टॉलनेस। तो यहां पर जो पौधा फॉर्म होगा वो क्या होगा, टॉल। तो ऐसे ही F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स होंगे बच्चों वो क्या रहेंगे, वो सारे टॉल होंगे। तो हमारे पास जो है F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है कि सारे के सारे पौधे क्या है, टॉल है। अगर इन्हीं प्लांट्स में से कोई दो पौधों में हम क्रॉस करवा देंगे, क्योंकि ये सेम है तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फिंग। तो जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन बनेगी, तो F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास प्लांट्स आए थे उनका जीनोटाइप क्या था, वो था कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बच्चों इनमें प्योरिटी नहीं है, अब ये दोनों मेंबर्स क्या है, डिफरेंट है। जब ये मेंबर्स डिफरेंट हैं तब हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। अब जब यहां पर फर्स्ट लेटर जो आपका कैपिटल प्रेजेंट है उसका मतलब क्या है, यहां पर डोमिनेंस वाला जो एलील है वो प्रेजेंट है। अगर डोमिनेंस वाला जीन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों लेटर कैपिटल है और दोनों ही सेम है तो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों ही लेटर स्मॉल है और सेम है तो हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। अब ये कंडीशन क्या है बच्चों, ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाली। तो हमने एक बात और नोटिस करी कि जो पेरेंटल टाइप थी उससे अब अलग रिजल्ट आया है, जीनोटाइप में डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था उसमें करवाएंगे सेल्फिंग। तो यहां पर तो ये क्या बन गया, पेरेंट्स। अब जब हम इनके गैमीट्स फॉर्म करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो यहां पर क्या आएगा, एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी। और इस केस में भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जब आप इनमें क्रॉस बनाओगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगी, सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब जब आप इनकी क्रॉसिंग करवा रहे हो तो यहां पर आप इन गैमीट्स को यहां पर अरेंज कर दोगे, एक के गैमीट्स को आप यहां पर अरेंज कर दोगे। तो आफ्टर अरेंजमेंट जब आप इसकी करवाओगे क्रॉसिंग तो यहां पर कैपिटल टी के साथ क्या आएगा बच्चों, कैपिटल टी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई,
होमोजाइगस। अब पहला लेटर क्या है, डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करने पर कुछ ऐसा जीनोटाइप फॉर्म होता है, और जब यहां पर पहला जीन हमारे पास कैपिटल है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाली। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन हमारे पास यही कंडीशन अराइज हो गई है। मगर इस केस में देखो बच्चों, स्मॉल टी जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस बनाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो पेरेंटल टाइप है, जो हमने F1 जनरेशन के टाइम पर यूज करी थी, तो वो क्या थी, प्योर टॉल प्लांट को हमने किसके साथ क्रॉस करवाया था, प्योर ड्वार्फ के साथ। तो वहां पर हमारे पास कुछ ये वाला और ये वाला जीनोटाइप प्रेजेंट था, तो वहां पर रिजल्ट हमारे पास ये आया था। अब हमारे पास जो F2 जनरेशन है बच्चों, उसमें हमारे पास पेरेंटल टाइप भी एग्जिस्ट कर रही है, और यहां पर हमारे पास क्या है, नई जनरेशन भी आई है। आपको इस केस में जो पेरेंट्स थे वो भी अराइज हुए हैं, और ये दो हैं जो नए अराइज हुए हैं। तो F2 जनरेशन में हमारे पास कितने प्लांट्स हैं जो टॉल है, जरा इनको काउंट करते हैं। एक तो ये टॉल है बच्चों, दूसरा इसके पास कैपिटल लेटर है, ये भी टॉल है, तो ये भी टॉल है। तो हमारे पास टोटल टॉल प्लांट कितने हैं बच्चों, 3। और जो हमारे पास ड्वार्फ है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 1। अगर आपने बतानी है यहां पर बच्चों फिनोटिपिक रेशो, मतलब कि प्लांट्स की फिजियोलॉजी क्या है, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, तो हमें क्या पता चला कि टॉल प्लांट कितने हैं, 3, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो कितने हैं, सिर्फ 1। तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या आ गई है बच्चों, वो रेशो हमारी है 3:1। और अगर आपने ये बताना है कि जीन टाइप क्या है और उस बेसिस पर आपने रेशो बतानी है, तो ऐसी रेशो को हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो। तो वो कितनी होगी आपके पास, आपने क्या देखना है वहां पर, आपने देखना है वेरियस काइंड ऑफ जीन टाइप्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, कैपिटल टी वाले कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1, तो वहां पर आएगा 1। हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं बच्चों, हमारे पास 2। और जो स्मॉल टी वाला है वो कितना है, वो है 1। तो हमारे पास रेशो क्या हो गई, 1:2:1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया है। क्वेश्चन यही था कि व्हाट विल यू गेट इन F1 एंड F2 जनरेशन। बच्चों F1 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड प्लांट्स आए थे, मगर वो भी क्या थे, सारे के सारे टॉल थे। अब हमने ये बात सीखी यहां पर कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर के इफेक्ट को मास्क कर देगा, और वहां पर जो है वो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर ही शो होगा। तो मतलब इस केस में जो टॉलनेस, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर द ड्वार्फनेस, तो वही जो था वो फर्स्ट जनरेशन में हमें मिला था। और जो F2 जनरेशन में हमारे पास रिजल्ट आया है, उसमें हमारे पास प्योर फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है और हाइब्रिड फॉर्म भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बच्चों इस क्वेश्चन का ही एक सेकंड पार्ट ये है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये जो क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या फिर ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। बच्चों अभी हमने सिर्फ यहां पर इस क्रॉस के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात करी है, तो ये क्रॉस क्या हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप ये भी देख सकते हो, अगर जीनोटाइप लिखते वक्त आपने सिर्फ 2 लेटर्स ही इस्तेमाल किए हैं, तो ऐसा जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। अगर आपके पास 2 कैरेक्टर्स होंगे ना बच्चों स्टडी करने के लिए, तब डेफिनेटली आप जो है वो एक जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लेटर्स यूज करोगे। तो 4 लेटर वाला अगर आपको जीनोटाइप दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो झटपट से आंसर लगा लेना कि ये क्रॉस कौन सा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम्पल है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जी के साथ, मतलब ये कौन सा प्लांट है जिसकी स्टेम क्या है, ग्रीन कलर की है, ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट। मैं यहां पर सिर्फ प्लांट लिख रही हूं बच्चों, ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट
जिसको आपने क्रॉस करवाना है किसके साथ, ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट के साथ। कहते भाई अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल जी एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो हमारे पास क्या है, जो क्रॉस होगा वो किसमें होगा, ग्रीन स्टेम्ड प्लांट एंड ब्राउन स्टेम्ड प्लांट के बीच में। तो जिसका हमारे पास इन्होंने जीनोटाइप जो है वो दे रखा है। जीनोटाइप क्या है, जो आपका ग्रीन स्टेम्ड प्लांट है उसका कैपिटल जी है, और जो ब्राउन स्टेम्ड है बच्चों उसका क्या है, स्मॉल जी। तो इनके बीच में हमें करवाना है क्रॉस। नेक्स्ट है कि भाई इन दोनों को जब क्रॉस करवाया गया तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। अब जो हमने पहले क्रॉस किया है उसके जैसा ही क्रॉस है। पहली बात तो दो ही लेटर है, तो मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी हो रही है, क्योंकि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है दो फैक्टर्स के पेयर्स के साथ। तो यहां पर क्या है, फैक्टर्स का क्या है, पेयर है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये कैरेक्टर क्या है, इस कैरेक्टर का कंट्रास्ट है। तो ये क्या है, कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं जिनके बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस परफॉर्म करना है। अब ये क्या हो गए बच्चों, पेरेंट्स। ये क्या हुए, पेरेंट्स। अब जब इन पेरेंट्स ने गैमीट्स फॉर्म करने हैं तो इन फैक्टर्स में से एक ही पास होगा गैमेट में। अब यहां पर कौन से गैमेट बनेंगे बच्चों, कैपिटल जी एंड कैपिटल जी, और यहां पर क्या फॉर्म होगा, स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। तो बच्चों जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो रिजल्ट हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आएगा, पहले हम इस प्लांट के गैमेट्स को अरेंज कर लेते हैं फिर दूसरे को। तो F1 जनरेशन में हमारे पास इसको इसके साथ क्रॉस करवाने पर कैपिटल जी स्मॉल जी, और फिर आगे कैपिटल जी स्मॉल जी, इसको इसके साथ करवाने पर कैपिटल जी स्मॉल जी, इसको करवाने पर कैपिटल जी स्मॉल जी। तो बच्चों हमें पता है जब भी लेटर्स कैपिटल होते हैं तो उनका मतलब होता है कि वो क्या शो कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को। तो यहां पर क्या है, इसमें से जब जो गैमेट फॉर्म हुए, जब उनकी क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे पास एटलीस्ट हर एक प्लांट का जो जीनोटाइप था उसमें एक लेटर हमारे पास क्या है, कैपिटल है। तो वही कैपिटल लेटर दूसरे लेटर को, जो कि स्मॉल लेटर है, जो कि रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रिसेसिव को मास्क कर देगा। अब यहां पर इफेक्ट कौन सा आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा डोमिनेंट जीन का इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ग्रीन स्टेम्ड प्लांट है, क्योंकि उनको कैपिटल लेटर्स के साथ बताया गया है, तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा डोमिनेंट रेट होना चाहिए। तो अब यहां पर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको जीनोटाइप गिवन है और अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो आपने याद रखना है कि वो कौन सा ट्रेट है, वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो बच्चों अब अगर ये डोमिनेंट ट्रेट था तो हमारे पास हर एक प्लांट के पास जो उसका जीनोटाइप है उसमें एक लेटर कैपिटल है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देगा, और यहां पर हमारे पास जो प्लांट है वो सारे क्या कैरी करेंगे, वो भी सारे ग्रीन स्टेम ही कैरी करेंगे। तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसमें जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, वो ग्रीन स्टेम वाले प्लांट्स होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि यहां पर कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो जाएगी, कि यहां पर अगर आपके पास कैपिटल जी है और स्मॉल जी है तो उसकी वजह से आपके पास कोई इन बिटवीन कलर आएगा ग्रीन एंड ब्राउन के, नहीं। अगर यहां पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या करेगा, मास्क करेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि सारे के सारे पौधे हमारे पास क्या होंगे, ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स होंगे। तो F1 जनरेशन का क्या रिजल्ट आया कि ऑल द प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट्स हैं। अब बढ़ते हैं F2 जनरेशन की तरफ। तो बोलते हैं जो F2 जनरेशन है, तो हमने क्या बताना था कि जब आपने क्रॉस करवाया तो आपने कौन सी ऑब्जर्वेशन ली, हमारे पास जो है कि सारे के सारे पौधे जो है वो कौन से कलर के आए, वो ग्रीन स्टेम वाले आए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो F2 जनरेशन बनेगी उसकी जो प्रोजनी होगी उसमें सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो जनरेशन में प्लांट्स आएंगे उनमें हमारे पास ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स की जो है परसेंटेज कितनी रहेगी। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि बताओ परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट्स इन F2 प्रोजनी इफ प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड का क्या मतलब है कि यहां पर हमने सेल्फिंग ही करवानी है। जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उनमें हम सेल्फिंग बनाएंगे तब हमारे पास F2 जनरेशन फॉर्म होगी, तब हम बता पाएंगे कि ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स जो हैं उनकी परसेंटेज क्या है। जब भी बच्चों आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तब आपने देखना है कि आपके पास पनेट स्क्वायर के अंदर ये बॉक्सेस कितने हैं। यहां पर आपके पास कितने हैं, 4 बॉक्सेस हैं। तो अगर आपने पूरे स्क्वायर को 100% माना है तो 4 के लिए कितनी होगी, हर एक बॉक्स की कितनी होगी, तो वो 25 कंट्रीब्यूट करेगा। तब हमारे पास अब हमने क्या बताना है कि ब्राउन स्टेम जो प्लांट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, इनमें से कोई 2 प्लांट्स की क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो यहां पर हम क्या बनाते हैं, F2 जनरेशन बनाएंगे। तो F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉसिंग किसके अंदर, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में। अब जब यहां पर गैमेट फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यहां से भी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो जब आप इनका क्रॉस बनाओगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट में आएगा यहां पर जब आप गैमेट्स को अरेंज कर लोगे इसके यहां पर और इसके यहां पर, तो कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। मतलब हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भी रिजल्ट सेम ही है, बस हमने क्या करे हैं, लेटर्स चेंज करे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल जी है वो क्या डिनोट करता है बच्चों, वो डिनोट करता है हमें ग्रीन स्टेम्ड प्लांट को, और जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कैपिटल जी स्मॉल जी वो डिनोट करता है क्योंकि यहां पर एक डोमिनेंट है, इधर भी एक डोमिनेंट जीन है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ग्रीन स्टेम्ड प्लांट होगा। अब जो ये लास्ट बॉक्स है इसमें पेयर जो है उसके जो मेंबर्स है वो क्या है, वो दोनों ही स्मॉल लेटर्स हैं। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि ये जो प्लांट है उसके पास जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां पर ये कंडीशन की वजह से जो पौधा होगा वो क्या होगा, वो ब्राउन स्टेम्ड प्लांट होगा क्योंकि ये कैरेक्टर क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर तभी आता है जब भी हमारे पास क्या होंगे, दोनों के दोनों मेंबर्स पेयर के क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। स्मॉल लेटर्स जब भी प्रेजेंट है तो उनका मतलब है कि हमारे पास कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव, और वहां पर जो जीन्स हैं वो भी क्या है, रिसेसिव। तो यहां पर हमने बताना था सेकेंड क्वेश्चन में कि जो ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स हैं तो उनकी परसेंटेज क्या है। बच्चों देखो यहां पर ये भी क्या है हमारे पास, ग्रीन स्टेम, तो ये भी क्या है, ग्रीन स्टेम, ये भी क्या है, ग्रीन स्टेम, बचा सिर्फ ये वाला जो कि है ब्राउन स्टेम। तो अगर ये 25% है, अगर ये भी 25% है, ये भी 25% है, तो ये भी कितना है, 25%। तो हमारे पास जो ग्रीन स्टेम्ड है उनकी परसेंटेज क्या हो गई है, उनकी परसेंटेज हो गई है बच्चों 75%, और जो हमारे पास ब्राउन स्टेम्ड है उनकी F2 जनरेशन में परसेंटेज क्या आ गई है, 25%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने बतानी है रेशियो कैपिटल जी की विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो अब जो हमने F2 जनरेशन बनाई है उसमें ही बताएंगे ना, क्योंकि इसमें तो कैपिटल जी का कोई सीन नहीं है यहां। तो यहां पर हमारे पास कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों तरह के गैमेट्स वाले प्लांट्स हैं, तो यहां पर ही हम रेशियो बताएंगे। तो F2 जनरेशन में हमारे पास कैपिटल जी एंड स्मॉल जी की रेशियो क्या है, कैपिटल जी कितने हैं बच्चों, कैपिटल जी वाले कितने हैं, सिर्फ एक प्लांट। तो रेशियो क्या होगी, कैपिटल जी की कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ वो कितनी रहेगी, ये कितने हैं, 1 कैपिटल
कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी कितने हैं? 2। तो रेशो क्या आएगी? 1:2। तो ऐसे आपका ये थर्ड पॉइंट भी बन गया। बनाते हैं आप फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है आपने बताना है कि बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कहते जो आपने ये फाइंडिंग्स अभी बताई हैं इनके बेसिस पर आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या यहाँ पर कंक्लूजन है। हमने ये कंक्लूड किया है कि बच्चों एक तो एक कौन सा क्रॉस है, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर को स्टडी करा तो ये है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जब हमने यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन देखी तो हमारे पास क्या था? हाइब्रिड्स फॉर्म हुए। जब हमने उन्हीं हाइब्रिड्स की सेल्फिंग करवाई तो सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि हमारे पास पेरेंटल टाइप भी थी और हाइब्रिड भी था। तो ऐसे हमने ये कंक्लूड किया कि ये नहीं है कि ऑलवेज जो है वो पेरेंटल टाइप ही इनहेरिट होती है, तो हमारे पास हाइब्रिड्स भी फॉर्म होते हैं। तो दीज वर द फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी क्रॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स इन गार्डन पी। अब क्वेश्चन ये है कि जो मेंडल था उसने इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए पी प्लांट के अंदर दो ट्रेट्स को क्यों पढ़ा या दो ट्रेट्स को क्यों कंसिडर करा। तो यहीं से आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी बात एक से ज्यादा ट्रेट की हो रही है, अब जैसे यहां पर दो ट्रेट्स की बात हो रही है तो ये कौन सा क्रॉस होगा? ये होगा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो एक बात तो हमें यहां से क्लियर हो गई है। अब जो सेकेंड इसी क्वेश्चन का पॉइंट है वो है कि व्हाट वर हिज फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन F1 एंड F2 जनरेशन। अब जब उसने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया तो F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में उसकी क्या फाइंडिंग थी, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस बनाएंगे फिर उसमें से F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा वो हम बताएंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इन अबव मेंशनड एक्सपेरिमेंट। कहते कि जो आपको ये एक्सपेरिमेंट बताया गया है, इस एक्सपेरिमेंट में आपने जो रेशियोज आई हैं F1 एंड F2 जनरेशन बनाने के बाद वो रेशियोज आपने स्टेट करनी है। तो बच्चों पहले तो हमें ये नहीं बताया गया कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ है वो क्रॉस कौन से ट्रेट्स को लेकर के बनाया गया है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें नहीं बताया गया कि कौन सा है तो हम जो एज पर सिलेबस हमने पढ़ा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर हमने एग्जाम्पल ली थी कि जो पाइसम सेटाइवम के सीड्स थे उनकी हमने शेप एंड कलरेशन को स्टडी करा था। तो जब आप शेप एंड कलर यानी कि ये दो कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हो तो आप कौन से क्रॉस की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ये पिक करेंगे कि हम एक पाइसम सेटाइवम प्लांट के सीड्स के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो हम यहां पर जो एग्जाम्पल साइट करेंगे वो राउंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वाले प्लांट्स के साथ। तो हम ये क्रॉस बनाएंगे, इसमें हमने दो कैरेक्टर्स को स्टडी करना है तभी हम जान पाएंगे कि कैसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो है वो फॉर्म होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि Why did Mendel carry out an experiment to study inheritance of two traits in garden pea? तो क्वेश्चन है कि मेंडल ने दो ट्रेट्स को गार्डन पी के अंदर क्यों स्टडी करा, जब उसने एक कैरेक्टर की बात कर तो ली थी अब उसने दो ट्रेट्स को क्यों पढ़ा जब वो पाइसन सेटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे किया या इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि जब हम एक से ज्यादा ट्रेट्स की बात करेंगे तो हमने देखना है कि वो ट्रेट्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करती हैं या वो ट्रेट्स एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया था। तो हमें फर्स्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का मिल गया है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन था
What were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जो है क्रॉस बनाना पड़ेगा. तो हम क्या, कौन सी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम यहां पर एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं राउंड येलो सीड बेयरिंग प्लांट की एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड बेयरिंग प्लांट की. अब जब आपने इनका जीनोटाइप लिखना है, पहले आप क्या करो, आप प्योर फॉर्म में लिखो. तो राउंड शेप के लिए जो आप जीनोटाइप लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल आर. और जो येलो कलरेशन है सीड की, उसके लिए आप यूज कर सकते हो लेटर्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई. तो ये हम बना रहे हैं पेरेंट्स. तो इसका क्रॉस होगा रिंकल्ड ग्रीन यानी स्मॉल आर स्मॉल आर. हमें पता है जो राउंड शेप है वो रिंकल्ड शेप के ऊपर डोमिनेटिंग है, तो यहां पर जो लेटर्स यूज होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल. तो ग्रीन कलर भी क्या है, वो एक रिसेसिव ट्रेट है, और जबकि येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है. तो मैंने डोमिनेंट ट्रेट्स को शो करने के लिए लेटर्स क्या यूज करे हैं, कैपिटल. और कौन सी कंडीशन बनाई है, होमोजाइगस डोमिनेंट वाली. तो ये कौन सी कंडीशन है, प्योर कंडीशन है. अब जब मैंने प्योर राउंड येलो को प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया तो जीनोटाइप क्या है, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. अब हमें इसके बनाने हैं गैमीट्स. जब भी कभी गैमीट्स बनते हैं तो पेयर में से एक ही मेंबर आगे पास होता है, तो इस पेयर में से क्या पास होगा, एक आर, और उसके साथ येलो में से येलो कलर के लिए या कलर के लिए जो फैक्टर का पेयर है उसमें से एक ही लेटर जो है वो आगे पास होगा. तो यानी हमारे पास गैमेट ये बनेगा आर वाई. तो ऐसे हमारे पास टोटल चार जो है वो पेयर्स बन जाएंगे. एक बार ये वाला इसके साथ आएगा, फिर ये इसके साथ भी आ सकता है, पहले यहां था अब ये इसके साथ, मतलब ये इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये फिर इसके साथ और इसके साथ ये फॉर्म करेगा. ऐसे ही यहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, चार गैमेट फॉर्म होंगे, कौन से, आर वाई टाइप के. तो अगर मैं इनकी, यहां पर चार है बच्चों ये याद रखना, तो चार गैमेट्स फॉर्म होंगे इन ईच केस. अब जब आप इनमें करवाओगे क्रॉसिंग तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, और इसकी अरेंज कर दो इधर स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई. तो जो इनकी क्रॉसिंग होगी आपने ध्यान रखना है. कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, जब भी इसको क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कैपिटल आर वाई यहां पर लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, ये सही नहीं है. आपने क्या करना है, एक कैरेक्टर के फैक्टर्स को इकट्ठे रखना है. तब हमारे पास क्या होगा, यहां पर ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा वे यूज करेंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई. मतलब क्या है, अब ये जो पेयर बना है ये हमारी किस कैरेक्टर को बता रहा है, ये बता रहा है कि शेप कौन सी है. और जो सेकंड वाला है पेयर वो हमें क्या बता रहा है कि सीड का कलर क्या है. अब बताइए यहां पर कौन सी शेप है और कौन सा कलर है. जैसे हमने डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो करने के लिए हमने क्या करा था, कैपिटल लेटर्स यूज करे थे. अब इस पेयर में अगर हमारे पास एक भी लेटर कैपिटल है और दूसरा भी कैपिटल है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास यही जो है कैरेक्टर फिर से रीअपेयर होगा. मतलब प्लांट क्या होगा इस केस में, अगेन राउंड येलो ही होगा. अब यहां पर क्योंकि हमारे पास सारे गैमेट सेम है तो सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं उनमें रिजल्ट हमारे पास कुछ यही रहेगा. तो हम कह सकते हैं
कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमारे पास जितने भी प्लांट्स आए हैं वो क्या है, वो सारे राउंड येलो है। मगर जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स थे वो क्या थे, वो प्योर फॉर्म में थे। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव वाले। मगर यहाँ पर जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो क्या है, इसमें हमारे पास देखो क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पर एक एक मगर क्या, कौन सा जीन प्रेजेंट है हमारे पास, एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें इस कंडीशन को क्या नाम देना है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो यहां पर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब उनका जो फीनोटाइप है वो क्या है, वो सबका फीनोटाइप जो है वो राउंड येलो है। मगर जो जीनोटाइप है वो पेरेंट से डिफरेंट है, मतलब जीनोटाइप जो है उसकी वजह से जो पौधे हैं वो क्या है, वो हाइब्रिड है, वो क्या है, वो हाइब्रिड है। अब हमने F1 जनरेशन का रिजल्ट तो बच्चों बता दिया, अब हमने बताना है कि F2 जनरेशन क्या होगी। तो F2 जनरेशन में हम सिमिलरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही इन्हीं में से कोई दो को चूज करके उनमें करवा देंगे क्रॉसिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तब वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो अब हम देखेंगे। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन के रिजल्ट को यूज करेंगे। तो वहां से जो हमारे पास जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y, उसका क्रॉस करेंगे कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y के साथ। तो ये क्या हो गए अब, पेरेंट्स। तो अब जो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, अब वो गैमेट्स हमने बड़े सही से और ध्यान से लिखने हैं। तो यहां पर जो पेयर बनेगा पहला वो क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y। अब यही कैपिटल R वो स्मॉल Y के साथ भी क्रॉसिंग करेगा, तो यहां पर बनेगा कैपिटल R स्मॉल Y। और इसके बाद ये स्मॉल R जो है वो किसके साथ क्रॉसिंग करेगा, कैपिटल Y के साथ, और ये इसके साथ। तो हमारे पास जो गैमेट है वो क्या बनेंगे, ये वाले। हमारे पास यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पर है। और सिमिलरली जैसे ही यहां पर यही हमने इसी टाइप का जो हमने जीनोटाइप लिखा है, तो यहां पर भी गैमेट्स जो हैं वो यही फॉर्म होंगे, कौन कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y, स्मॉल R कैपिटल Y, स्मॉल R स्मॉल Y। तो बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये ऑर्डर ब्रेक नहीं करना। अगर आप ऑर्डर ब्रेक करोगे कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, मगर जब आपने रेशियो बनानी होगी तब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हो, कभी कभी आप थोड़ा क्या करते हो, पैनिक हो जाते हो पेपर को लेकर के, तब आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो, फिर आपका 9:3:3:1 बनता ही नहीं है एट द एंड। तो उस फिनोटिपिक रेशियो को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूं, आपने यही एक मैनर यूज करना है गैमेट्स को अरेंज करने के लिए जब आप क्या करोगे, स्क्वायर बनाओगे। तो अब जब हम इनमें क्रॉसिंग देखेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको कुछ ऐसे अरेंज करेंगे। पहले आप ये वाले अरेंज करो कैपिटल R कैपिटल Y, तो ये कौन सी जनरेशन बना रहे हैं हम, F2। ये क्या थे हमारे पास, गैमेट्स। तो यहां पर जब आप F2 जनरेशन बनाने के लिए गैमेट्स को अरेंज करोगे तो ट्राई करिए यही मैनर फॉलो कीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल Y, फिर आप रखो स्मॉल R के साथ कैपिटल Y, फिर लिखो स्मॉल R स्मॉल Y। सिमिलर पैटर्न बच्चों आपने यहां पर लिखना है, सिमिलर। तो जो यहां पर लिखा है उसको यहीं पे लिखो, फिर इसके सामने ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। अब इनको करवाओगे जब आप क्रॉस, तो आपके रिजल्ट बड़े इजीली बनेंगे। देखो कैसे, कैपिटल R के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ कैपिटल Y, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी प्योर कंडीशन हो गई, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस डोमिनेंट वाली। तो ये प्लांट हमारे पास कौन सा आएगा, ये प्लांट होगा जिसके सीड्स हमारे पास कैसे होंगे, राउंड येलो। तो मैं राउंड येलो के लिए यहां पर लिख देती हूं कि राउंड येलो को हम शो करेंगे किसके साथ, डॉट के साथ, कुछ ऐसे। तो उधर ही हम
काउंट करने के लिए फिर इजी हो जाएगा, यहां पर भी डॉट मार्क कर देंगे, पर पेपर में आप ऐसे मत करना। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाला जो है यहां पर कंडीशन, इसको जब आप क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आएगा। बच्चों देखो शेप तो हमारे पास प्योर हो गई है, तो ये शेप के लिए जो हमारे पास पेयर ऑफ फैक्टर है वो क्या है, सेम है, तो यहां पर शेप तो राउंड होगी, मगर जो यहां पर कलर है उसके लिए हमारे पास क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन है। तो इस केस में अगर हमारे पास लेटर फर्स्ट जो है कैपिटल है और इसमें तो है, तो हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो भी क्या होगा, राउंड येलो ही होगा। ये बात याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों आपके पास जो पेयर्स हैं उनके जो लेटर्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए हैं, कैपिटल। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक की कंडीशन हेटरोजाइगस हो और दूसरे की होमोजाइगस हो, या दोनों ही होमोजाइगस हो, तो ऐसी कंडीशंस हम देखेंगे अब। तो इस केस में भी हमारे पास कौन सा आया है, राउंड येलो। अब नेक्स्ट इसके साथ करेंगे तो फिर से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है। अब ये जो है वो डिफरेंट हो गए हैं, ये सेम हो गए हैं, फिर से राउंड येलो इसकी वजह से। और जब नेक्स्ट बनाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तब फिर से हमारे पास क्या है, राउंड येलो शेप वाले सीड्स। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको जब इसके साथ क्रॉस करवाओगे, इसको इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से हमारे पास राउंड येलो। अब इसको इसके साथ करवाओगे तो क्या होगा, शेप तो राउंड हो गई है बच्चों, बट जो कलर है वो क्या हो गया है, ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई मतलब रिसेसिव कैरेक्टर, तो रिसेसिव कैरेक्टर में से कलर क्या है, ग्रीन रिसेसिव है। तो यहां पर हमारे पास ये, जब हमारे पास कौन सी शेप आ गई है, अब चेंज हो गया है, अब क्या हो गया है, राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन के लिए हम स्टार बना लेते हैं, तो यहां पर मार्क कर देते हैं स्टार। अब नेक्स्ट करो इसको इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब इसका क्रॉस बनाओगे फिर से हमारे पास कौन सी शेप आ गई है, राउंड येलो, तो फिर से हम राउंड येलो लिख देंगे। अब इसको इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब फिर से कौन सी आ गई है, राउंड के साथ यही कलरेशन आएगी, तो मतलब राउंड के साथ हमारे पास ग्रीन कलरेशन आ गई है। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कौन सा होगा, कॉमेंट करके बताइए जरा, राउंड येलो। यहां पर हमारे पास कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, तो फिर से हम लगा देते हैं यहां पर डॉट। नेक्स्ट इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से कौन सा आएगा, राउंड येलो, फिर से डॉट लगा देते हैं। अब इसको इसके साथ करोगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब देखो बच्चों अब शेप चेंज हो गई है, शेप कौन सी आ गई है, अब रिंकल्ड। तो रिंकल्ड कैसे बनेगी, जब हमारे पास दोनों जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास दोनों ही स्मॉल, मतलब दोनों ही रिसेसिव, तो यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर ही अपीयर होगा। तो यहां पर कौन सी जो शेप है वो आएगी, रिंकल्ड शेप, मगर कलर क्या आएगा, येलो, क्योंकि दोनों ही लेटर्स जो है वो किसको शो कर रहे हैं, वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को शो कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, रिंकल्ड येलो, ये हमारा थर्ड केस हो गया है, रिंकल्ड येलो। तो ये इसके लिए हम स्क्वायर जैसा कुछ यूज कर लेते हैं ऐसे। अब जब इसको इसके साथ करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से हमारे पास रिंकल्ड जो है शेप है, मगर जो कलर है वो क्या है, येलो, तो यहां पर भी हम ऐसे मार्क कर देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉस की तरफ, यहां पर हमारे पास है कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, फिर से ये क्या हो गया, राउंड येलो। अब इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहां पर क्या है बच्चों, हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, यहां पर राउंड के साथ जो कलर है वो क्या होगा, ग्रीन कलर।
कलर क्या होगा? ग्रीन। तो हमने क्या यूज करा था? राउंड ग्रीन के लिए हमने बनाया था यहां पर स्टार। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको इसके साथ क्रॉस करवाने की। तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। अब फिर से कौन सी शेप आ गई है बच्चों? रिंकल्ड के साथ येलो कलर, रिंकल्ड शेप येलो कलर। तो अब जो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे वो एक स्क्वायर जैसा कुछ ड्रॉ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट बॉक्स जो है, जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो यहां पर आपके पास कुछ ऐसा जीनोटाइप बनेगा। तो इसको मैं बताऊंगी ये कौन सी कलर एंड शेप है, ये शेप क्या है रिंकल्ड एंड कलर क्या है ग्रीन। तो बच्चों फोर्थ केस हमारे पास क्या आ गया है? रिंकल्ड ग्रीन का। कौन सा? रिंकल्ड ग्रीन का। तो अब यहां से हमें पता चला कि जो पहले तो आप इसका ट्रिक देख लो, क्या आपके पास वो रेशो बनी है? हम पहले इस बात को देखते हैं। अब हमारे पास राउंड येलो कितने हैं? काउंट करते हैं। राउंड येलो जो इस डॉट के साथ मार्क करे हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस ट्राइंगल में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं? वो आपके क्या हैं? वो सारे राउंड येलो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं। तो ये कितने आ गए बच्चों? ये हैं हमारे पास 9। अब हमने काउंट करने हैं राउंड ग्रीन जिनको हमने स्टार के साथ मार्क किया है, वो कितने हैं देखते हैं भाई। 1 2 3। अब इस ट्राइंगल में से यहां पर और यहां पर 1 2 3, तीन हमारे पास कौन से हैं? राउंड ग्रीन बच्चों। और जो हमारे पास रिंकल्ड येलो है वो कितने हैं? वो हमारे पास हैं 1 2 3। तो रिंकल्ड ग्रीन यहां पर रहेंगे, रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने हैं? यहां से यहां तक कितने हैं? 1 2 3। ये भी कितने हैं? 3। लास्ट बॉक्स हमेशा बच्चों, अगर आप यही मैनर फॉलो करोगे गैमेट्स को अरेंज करने का, तो लास्ट में जो होगा वो आप चाहे आंखें बंद करके मार्क कर देना, वो आपका होगा रिंकल्ड ग्रीन वाला। तो यहां पर कंप्लीट रिसेसिवनेस है बच्चों, दोनों के दोनों कैरेक्टर रिसेसिव प्रेजेंट हैं। हमारे पास रिंकल्ड शेप है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, और हमारे पास कलर भी कौन सा है? ग्रीन, जो कि हमारा रिसेसिव ट्रेट है। तो लास्ट में आपके पास यही होना चाहिए। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हुए आपके पास? 1। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं टोटल आपके पास? 1। तो अभी आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास राउंड येलो कितने हैं? 9। राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1। तो यहां से जो हमने रेशो बताई है 9:3:3:1, ये कौन सी रेशो है? ये आपको बता रही है कि प्लांट्स की फिजियोलॉजी क्या है, प्लांट्स के सीड्स की फिजियोलॉजी क्या है, आउटर अपेरेंस क्या है। तो ये हुई हमारी फिनोटिपिक रेशो। तो बच्चों F1 जनरेशन में हमने बताया कि जो अगर हम प्योर प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? हाइब्रिड मिलता है। मगर उन्हीं हाइब्रिड्स की जब आप सेल्फिंग करवाते हो तो F2 जनरेशन में आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। पेरेंटल टाइप जो कि हमारे पास क्या थी? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, वो भी प्रेजेंट है, और हमारे पास हाइब्रिड्स भी प्रेजेंट है। तो हमें यहां पर राउंड के साथ येलो कलर भी दिख रहा है, राउंड के साथ हमें ग्रीन कलर भी दिख रहा है, वहीं हमें रिंकल्ड येलो के साथ रिंकल्ड ग्रीन भी दिखाई दे रहा है। तो अगर राउंड शेप वाला जीन इनिशियली येलो शेप वाले जीन के साथ प्रेजेंट था, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि राउंड शेप वाला जीन जो है वो ग्रीन कलर के जीन के साथ प्रेजेंट हो। तो मतलब क्या है, वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं बिना मिक्स हुए, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बिना मिक्स हुए पास होते हैं, और
ऐसा नहीं है कि अगर ये कैरेक्टर हो है तो नेक्स्ट उसके साथ यही होगा, मतलब राउंड के साथ येलो होगा, तो राउंड के साथ ग्रीन भी पॉसिबल है और जो रिंकल्ड है उसके साथ येलो कलर भी पॉसिबल है और रिंकल्ड के साथ आपको रिसेसिव में ग्रीन भी मिल सकता है। आई होप आपको ये फाइंडिंग्स जो है वो क्लियर हो गई है। और तो यही बात, जबकि जीन्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली रहते हैं और बिना ब्लेंड हुए जब नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं तो वो अपने आप को अपना इफेक्ट जो है वो अलग अलग देते हैं। तो इसी बात को मेंडल ने क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही बात मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि प्लांट्स जो हैं उनके जो जीन्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के इकट्ठे बिना ब्लेंड हुए एक साथ रहते हैं और इंडिपेंडेंटली आगे पास भी हो जाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है या सी पॉइंट है वो क्या है, आपने रेशो बतानी है कि एफ टू जनरेशन में आपको क्या रेशो मिली है। एफ टू जनरेशन में हमें 9:3:3:1 मिली है जो कि हमारी कौन सी रेशो है, फिनोटिपिक रेशो। और तो अब बच्चों हमने बतानी है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन टाइप्स क्या है। तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर सिंबल्स लगा दिए थे तो इसके साथ हमें थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। जीनोटिपिक रेशो को आप एक नंबर की तरह याद कर लो बच्चों, वो क्या है 12:12:4:21:21, ऐसे याद कर लो आप। तो 1:2:1:2 बन गया आपका 12:12, फिर उसके बाद मैंने बोला 4, फिर मैंने बोला था 21, तो 2:1:2:1, तो ये आपके पास रेशो बननी चाहिए। अब कैपिटल लेटर्स वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है बच्चों, ये यहीं पे मिलेगी आपको पहले बॉक्स में, तो हमारा ये 1 जो है वो हो गया है। और नेक्स्ट, अब ये जो आपने 4 बनाना है ना, 4 ये 4 आपका यहां से यहां तक जो ये ट्राइंगल की लाइन है ना, ये सारे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 तो 4 हमारे पास क्या है, इस जीनोटाइप वाले पौधे हैं। तो और ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो ये क्या थी, सिंगल एक टाइप, ये हमारा ये और ये तो हो गया सॉर्ट। अब ये लास्ट वाला जो है जिसको हमने ट्राइंगल के साथ शो किया था, ये भी अकेली एक ही टाइप थी और यहां पर प्रेजेंट है, तो हमारा ये वाला भी हो गया, तो हमारा ये भी डन हो गया। अब देखो बच्चों, तो अब हमारे पास कौन कौन से जो है सिमिलर टाइप के हैं जो बचे, वो देखो आप, जो आपके पास ये वाला है ये भी एक ही है, इसके तरह का और कोई नहीं है, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हो गए, ये भी हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी सॉल्व, ये भी, ये पूरा का पूरा सॉल्व, तो ये भी। तो अब हमारे पास ये 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 पेंडिंग है अभी। अब देखो कौन कौन सी सिमिलर टाइप्स है, ये हमारे पास 2 ही हैं, देखो यहां पर एक यहां पर, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास कितने हैं 1, 2 और कहीं पर नहीं है। और जो हमारे पास ये वाला टाइप है, अब देखो कौन कौन सा पेंडिंग है, आपका ये रहते हैं ये रहते हैं, अब देखो ये भी हमारे पास 2 है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ऐसा हमारे पास और कहीं पर नहीं है, ये और ये, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और नहीं है हमारे पास कोई, ये भी डन हो गया। तो हमने इतने बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला, ये भी हमारे पास एक ही है, तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया है ये। अब बचा हमारे पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये एक तो यहां पर है एक यहां पर है, ये भी सॉल्व हो गया, तो हमारी ये भी हो गई। अब बची हमारे पास ये वाला 2, अभी भी हमें मिला नहीं है, ये कहां पर है बच्चों, ये है हमारा ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो ये भी हमने कर लिया सॉल्व। अब देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 4 into 4 16, तो हमारे पास जो 16
बॉक्सेस के अंदर प्लांट्स हैं उनकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2, 1:2, 4:2, 2:1, 2:1. तो ये आपको इजीली अब याद हो जाएगा, पहले रेशो लिख लेना और मैनर अगर आप यही फॉलो करोगे तो ये रेशो आपकी बड़ी इजीली बन जाएगी और ये 4 आपको इजीली मिल जाएगा पहला, और ये इसके साथ वाला ये सिर्फ एक एक ही है, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और ये फिर जो ये वाला था और ये वाला ये भी आप फाइंड कर लोगे, ये वाला और ये वाला 2 है, तो इजीली आप ये रेशो बना सकते हो। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस टूडेज लेक्चर इज दैट हाउ सेक्स इज डिटर्मिंड इन ह्यूमंस। तो यहां पर आपने बताना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी टाइप्स क्या रहती है। मेल्स के अंदर मतलब कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, XY, तो हम यहां पर लिख देंगे फादर का क्रोमोसोम, उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स हैं, XY, एंड जो मदर है उसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं, XX। तो जब हम इनमें क्रॉस बनाएंगे तो बच्चों गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे, यहां पर एक एक्स और दूसरा वाई, और यहां पर एक एक्स और दूसरा भी क्या एक्स। अब जब इनमें क्रॉस बनाओगे तो अब जब आपने क्रॉस बनाना है वो ही बात आपने याद रखनी है कि जो फीमेल के गैमेट्स हैं उनको हमने यहां पर अरेंज करना है और जो मेल के गैमेट्स हैं उनको हमने कहां पर अरेंज करना है, उनको हमने वर्टिकली अरेंज करना है। तो इधर हमारे पास ये कौन से रहेंगे, हमारे पास गैमेट्स इधर मदर के, और यहां पर जो आप रखोगे इस साइड वो कौन से होंगे, फादर के, तो वो क्या है एक्स एंड वाई। तो जब आप इनको क्रॉस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स एक्स, और यहां पर एक्स एक्स, फिर इसको अब फिर इसको इसके साथ एक्स वाई, फिर इसको इसके साथ। अब जब भी एक्स एक्स का पेयर होगा तब जो बेबी है वो क्या होगा, वो बेबी गर्ल होगी, और जब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा तब बेबी बॉय बॉर्न होगा। अब यहां से आपको परसेंटेज भी पूछी जा सकती है कि बताइए अगर जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हो तो वहां पर क्रॉस करने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज के पैदा होने के कितने चांसेस हैं या उनकी क्या परसेंटेज है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा बच्चों, हमारे पास यहां पर देखो 2 बॉक्सेस में एक्स एक्सेस, 2 बॉक्सेस में हमारे पास एक्स एक्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज होगी, 50% है किसकी, गर्ल्स की, तो 50% क्या है यहां पर, गर्ल्स, और बॉयज भी कितने हैं, 50%, तो बॉयज कितने हैं, 50%, तो यहां पर हमारे पास 50-50% चांस रहते हैं कि बेबी बॉय भी पैदा हो सकता है और बेबी गर्ल भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। अगर ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल है तो आई विल कंसिडर दैट दिस लेक्चर इज वर्थ। अगर आपको स्टिल कोई आपकी अपनी तरफ से कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट वीडियोज में वो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगी। Wish you very good luck for your exams. Thank you for watching.